नमस्कार, तो एक बार फिर आपका स्वागत है डीबी न्यूज में। उत्तर प्रदेश पुलिस को सीमा हैदर के पास से पाकिस्तानी पासपोर्ट और कई मोबाइल फोन मिले हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार ने इसके बारे में जानकारी दी है। पाकिस्तान से भारत आए सीमा हैदर के पास से पुलिस को 5 पाकिस्तानी अधिकृत पासपोर्ट मिले हैं, साथ ही 4 मोबाइल भी मिले हैं। इनके अलावा एक ऐसा पासपोर्ट मिला है जिसमें ना तो नाम है और ना ही आधार नंबर है। यूपी पुलिस का कहना है कि पुलिस सीमा के पास मिले मोबाइल फोन और पासपोर्ट की जांच में जुटी हुई है। यूपी एटीएस ने सचिन के पिता सचिन और सीमा हैदर से पूछताछ की है। वहीं इस दौरान सीमा का मोबाइल फोन भी जांचा गया है, जिसमें पाया गया था कि उसका सारा डाटा डिलीट था। कहा गया था कि सीमा के मोबाइल का डाटा रिकवर किया जाएगा। सीमा अपना पर्सनल लैपटॉप पाकिस्तान में ही छोड़कर आई है। यही नहीं, पाकिस्तान में उसने जितने मोबाइल फोन इस्तेमाल किए हैं उनमें से एक भी वो भारत लेकर नहीं आई है। नेपाल से भी सीमा ने दूसरे लोगों के हॉटस्पॉट से व्हाट्सएप कॉल किए। पाकिस्तान में सीमा अपना पर्सनल लैपटॉप क्यों छोड़ आई, इसको लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं।